कांची फिल्म की एल्बम में 9 तरीके के गाने हैं, 9 इमोशंस हैं, 9 रस हैं, वीरस भी है, करुण भी है, सैड सॉन्ग भी है, 3 डिस्को सॉन्ग भी हैं, चुटकीले सॉन्ग भी हैं और पेट्रियोटिक सॉन्ग भी हैं, हिंदुस्तान कहाँ है, सबकी वैरायटी है, तो सबकी वैरायटी है। और अच्छी एल्बम की एक सबसे बड़ी जो प्रतीक होता है उसका, वो ये कि उसमें वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स होने चाहिए जी। और पर्टिकुलरली जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो एक 7 मसालों की फिल्म बनाता हूँ, सुभाष घई की फिल्म 7 मसालों की होगी, कमर्शियल फिल्म होगी, तो जाहिर है कि उसमें 7 मसाले की एक गाने भी होंगे उसमें, तब जिसको जो गाना पसंद आए वो ले लें, बाकी छोड़ दो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 30 साल के पहले वाला हीरो जैकी श्रॉफ आज आया, जबकि मैं नई हीरोइन को कांची को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कार्तिक है उसमें नया हीरो, तो ये रिस्पेक्ट होती है, ये मोहब्बत होती है जो 30 साल तक भी कायम रहती है। बहुत से स्टार ऐसे हैं कि जब तक आप उनके साथ फिल्में बनाते हैं सक्सेस रहती है तो आपके साथ जुड़े रहते हैं, और जैसे फेलियर होते हैं या वो बड़े हो जाते हैं आपसे तो दूर चले जाते हैं। लेकिन जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो आज तक मुझसे जुड़े हैं, मुझसे प्यार है उनको, इसीलिए वो आज आया, और बल्कि मुझे भी सरप्राइज़ दिया उसने, हमने उसको कैजुअली एक इनवाइट भेजा था ऑफिस की तरफ से, बट ही केम एंड ही गेव ए सरप्राइज, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, दैट इज़ वाई आई सेड सो मेनी थिंग्स। ये कहना चाहूँगा कि खुशियाँ उसी तरह का खुशियाँ हैं, बड़े सारे हीरो भी सही लग रहा है, हीरोइन भी सही, गाना भी ऊँचा, और बाकी फिर सुभाष जी हैं। हाँ, वो बुखार तो था ही, मीनाक्षी जी को बुखार था 103 और उसे ठंडे पानी में रखा गया था और वो अच्छी हो गई थी, दोपहर तक एकदम सही हो गई, और पूरा गाना निंदिया से जागी बाहर ऐसा समझ गया ना, बड़ू बहुत ऊंचा लग रहा है, लड़का भी बहुत खूबसूरत और लड़की भी बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, एंड आई थिंक द सॉन्ग्स हैव बीन सुभाष जी, आई मीन देयर इज़ नो सोचने का मतलब ही नहीं बनता, गाने तो अच्छे ही होते हैं हमेशा। ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब आप अपने करियर की स्टार्ट करते हो और यू नो स्माइल जी के साथ आप गा रहे हो या सुभाष जी आपको बुला रहे हैं, यू नो आपसे कंसर्न कर रहे हैं, गाने को लेकर डिस्कशन चल रहा है, तो ये अपने आप में एक अलग माहौल है, एक कह सकते हैं कि ऐसी खुशी होती है जो शायद बयान नहीं किया जा सकती है, तो ऑन दैट पार्ट आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एक्चुअली।